ये देखो हमारे आतिफ भाई भूसा पे उड़ते हुए। तो अभी हम गुड़गांव एम्बियंस मॉल से सब इकट्ठे होकर निकल गए हैं टूवर्ड्स तिजारा। तिजारा से हम लोग फिर अलवर होते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। अभी संडे का दिन है तो सुबह सुबह बाइकर्स भी खूब आए हुए हैं यहाँ, चारों तरफ बाइक्स ही बाइक्स हैं, खूब आवाज़ें आ रही हैं। जो हमारा मीटिंग पॉइंट था ना वहाँ पर भी एक साइड में खड़े हुए थे तो फैट बॉय को रेप कर रहे थे। क्या अमेजिंग नॉइज़ उस बाइक की आ रही, शायद लाइन हार्ट के एग्जॉस्ट उसमें लगे हुए थे। ये सिमरन भाई है मेरे आगे चल रहे हैं एक और Z900 पे, उन्होंने अभी नई नई ली है। ये आगे से यू टर्न मार के वापस ले जाएंगे, हमारे साथ ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं। ये जसमीत भाई हैं अपने, उनके ब्रदर हैं। होंडा की बाइक्स में आवाज़ का लेवल अलग ही है यार। ये जो होंडा 650R आगे चल रही है, मैं बहुत देर तक तो यही सोच रहा था ये आगे डुकाटी चल रही है कोई, फिर मेरे को अचानक से स्ट्राइक कर रहा है नहीं, ये तो होंडा 650R है और ये बाइक तो अपने साथ ही चल रहे हैं। क्या अमेजिंग लुक्स हैं इस बाइक के यार, मतलब बेबी फायर ब्लेड है, प्रॉपर फायर ब्लेड वाला स्टांस देता है। बस जो जसमीत पाजी का जो स्टैचर है ना बॉडी का, उस पर ये बड़ी भी इतनी दिखती है ना, बहुत ही अमेजिंग लुक आता है इस बाइक का। तो भाई आवाज़ आ गई पीछे से, अभी अभी मेरे पास जसमीत भाई का कॉल आया जैसे मैंने उन्हें ओवरटेक किया कि उनकी बाइक से पेट्रोल लीक हो गया है। अभी तो निकले ही थे यार, भसड़ हो गई। ये पता नहीं हर राइड पे ही अपने साथ ऐसा होता है। लास्ट राइड पे मैं गया तो मेरी बाइक ख़राब हो गई, उससे लास्ट राइड पे जब हम गुजरात गए थे तब भी मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। तो पता नहीं, शायद जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ तो टूल किट काम आ ही जाती है, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं टूल किट भी कैरी नहीं कर रहा हूँ। चलो देखते हैं उनकी बाइक में क्या हुआ है, टो करानी पड़ेगी, फिक्स कर सकते हैं ऑन द रोड, कुछ भी जो भी कर सकते हैं, लेट्स ट्राई व्हाट हैपेंस। क्या हो गया? पेट्रोल का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, पेट्रोल फुल भी नहीं है सर। भाई दिस इज़ पार्ट ऑफ एडवेंचर, ये तो होता रहता है। देखो उनकी बाइक ख़राब हो गई थी, मैकेनिक फॉल्ट कह लो, ह्यूमन एरर कह लो, कुछ भी कह लो, ये तो होता रहता है। अब वो ठीक है, चलो 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 चलो। और ये अपनी गंदी आदतों से हम बाज ना आते हुए
पता नहीं यार, व्हीली मारने में ना एक अलग ही नशा है, मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और ऊपर से ये मोटरसाइकिल ही ऐसी है कि चलते चलते बस हल्का सा थ्रॉटल दो, एकदम ये हवा में खड़ी हो जाती है। इतना फन टू राइड मोटरसाइकिल है, ये फन टू राइड बाइक है ये, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस लेवल पे ये टेक ऑफ करती है यार। और ये आया है मधुर मधुर संगीत, ये बेनेली 600i के एग्जॉस्ट में, तो पता नहीं कौन सी ट्यूनिंग करी है इस बेनेली ने। इतने साल हो गए इस बाइक, 2015 से इस मार्केट में आ रही है, ऑलमोस्ट इतना 8-9 साल पुरानी बाइक होने के बाद भी आज भी इसकी आवाज़ सबसे अलग सुनाई देती है रोड पर चलते हुए। आया अपना मैक्स रिस मैनूवर, जो आस पड़ोस में लोग देख रहे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि भाई ये मोटा पागल हो गया है भाई, 112-113 किलो का आदमी चुईया सी मोटरसाइकिल पर बैठ के उसे एक पहिए भी रगड़ता रहता है। इसको आप मेरा वेट एडवांटेज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए यार, जब वेट होता है तो वेट शिफ्ट करना इजी होता है, तो बाइक बहुत इजीली आप ऊपर नीचे आती है, मतलब इतनी एफर्टलेस व्हीलीज तो बूसा में भी मेरी निकल जाती थी आराम से। हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है इससे जो मैं चला रहा हूँ, बट वेट 20-40 किलो फालतू था उसमें, प्लस मैं भी भारी इंसान, जैसे पीछे बैग बंधा हुआ है, बट यार इट्स सो फन राइड यार, एंड इट वॉन्ट्स टू बाउंस, ये हमेशा बाउंस ही करना चाहती है। देखो अभी भी एक्सेलरेटर ले रहा हूँ ना, ये बाउंस करना चाहती है बस हर बार, बहुत ही प्यार से, बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही डोसाइल तरीके से अगर आप इसको एक्सेलरेट करो तभी एक काबू में रहती है, और मैं तो हमेशा फुल पावर में ही चलाता हूँ इसको। तो अब हम चल रहे हैं नू डिस्ट्रिक्ट में, अब यहाँ से हम लोग अलवर के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। वैसे अभी तो भिवाड़ी भी नहीं पहुँचे, एक तो बाइक ख़राब हो गई इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया था, और उसके बाद हम लोग सोना रोड से मुड़ गए जो कि दौसा के लिए हाईवे कटता है उस तरफ से, बट हमें यहाँ से नहीं आना था, हमें एक्चुअल में मानेसर टोल क्रॉस करके फिर भिवाड़ी के लिए कट लेना था। हमने थोड़ा जल्दी ले लिया इस वजह से हम इंटरनल्स में फंस गए हैं, यहाँ स्पीड ब्रेकर भी हैं, टूटे हुए रास्ते भी हैं, कोई ताड़ू करके जगह ही है, ताड़ू से हम लोग निकले हैं। अभी भिवाड़ी पहुँचेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद फिर आगे अलवर के लिए निकलेंगे हम। गर्मी भी बढ़ने लगी है तो अब मन कर रहा है बस, अब भूख भी लग रही है, कहीं ना कहीं रुक भी जाते हैं। ये दो भाई हैं, इनसे रिक्वेस्ट करी दो, इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। ऐसे ही बस धीरे धीरे फैमिली को धक्का देते चलो। अरे ये मेरे चुतियापे पे मुस्कुरा रहे हैं कि इस आदमी को अधेड़ उम्र में ये क्या शौक चढ़ा है। लो भाई पनीर के पराठे और आलू के पराठे। तो भाई खाना नाश्ता हो गया है, अब आगे का सफ़र जारी रखते हैं। यहाँ से हमें पकड़ना है अलवर, अलवर तो हमने शायद क्रॉस कर दिया, अब हम घुस रहे हैं दौसा के अंदर। भाई लोग हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये हाईवे पे अभी हम चल रहे थे जो कि दौसा से हमें यहाँ लेके आया था, और टाइम हो रहा है अभी 1:38 सुबह 5 से हम चले हुए हैं, और डेस्टिनेशन का नामो निशान नहीं है। गूगल मैप्स पहले दिखा रहा था 370 किलोमीटर के आसपास, बट अब गूगल मैप्स दिखा रहा है कि लगभग 412 किलोमीटर हमें ये टोटल ट्रिप पड़ेगा, और बाइक भी लगभग 15 का एवरेज दे रही है शायद, देखते हैं क्या दे रही है। ओ 38.6 किलोमीटर पर लीटर, पॉसिबल ही नहीं है सर, 16 का एवरेज इस बाइक ने हमें दिया है।
डिसेंट है, मतलब 100-120 नॉन स्टॉप हम कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट, प्लस ब्रेक, इतना ब्रेक मारना पड़ रहा है, रोड्स की हालात भी, स्पीड ब्रेकर है, मतलब हर 500 मीटर पे एक स्पीड ब्रेकर है इस रोड पे। तो हमने अब ऐसा फील हो रहा है कि शायद हमने गलती कर ली, वाला आएगा लेके, इससे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सबकी हालत पस्त है, जितने भी हैं सब थक चुके हैं बुरी तरह। कोई नहीं, बस अब 40 मिनट्स की बात और है, 40 मिनट्स में शायद हम पहुंच जाएंगे। टाइगर मून रिसोर्ट है हमारे रिसोर्ट का नाम। और ये ट्रक भैया कहाँ चल रहे हो, रास्ता दे दो। और ये कच्चे में उतार के Z900 की ऑफ रोड बाइक बनाते हुए, और ये स्पीड खींचते हुए कच्चे की, और ये वापस रोड पे, बचा बचा बचा, ये चढ़ गए और ये फिर से गड्ढा आ गया। तो कुछ ऐसा ही आज का सफर रहा है कि स्पीड बनाओ ब्रेक मारो, स्पीड बनाओ ब्रेक मारो, स्पीड बनाओ ब्रेक मारो। कोई नहीं, एडवेंचर इसे ही कहते हैं। हमने ही सेलेक्ट किया था कि यार कुछ अलग रूट से चलते हैं, हाईवे जयपुर वाला हाईवे तो कई बार कर जा चुके हैं, तो बोरिंग सा भी था। और अभी मुझे पता चला कि दौसा से अगर हम सीधा 100 किलोमीटर चले जाए तो मथुरा के लिए भी हाईवे जाता है, तो वापसी में हम देखेंगे शायद यहाँ से मथुरा निकल जाएं, तो मथुरा निकल जाएं। और मथुरा से घर, अपना घर शायद 120 किलोमीटर है, तो 108 प्लस 100 प्लस 20, तो ये हो गया मोटा मोटा 108 और 20 आपका 128 और 100 228 और 120, मतलब 348 किलोमीटर ये, बट पूरा मतलब स्मूथ यमुना एक्सप्रेसवे रहेगा। तो ये अपना कुछ प्लान है इस तरह का कि ये कर लिया जाए, बाकी परसों 15 अगस्त को देखेंगे, अभी तो आज और कल हम यहीं हैं, मतलब अभी तो हम पहुंचे ही नहीं हैं, मतलब। तो ये डील हमारे जसमीत भाई हैं ग्रुप में, उनका ट्रैवल का ही काम है, ये उन्होंने ढूंढी है, तो देखते हैं किस तरह का रिसोर्ट है, क्या है, मतलब बढ़िया ही होगा क्योंकि उनका तो काम है, ही इज़ अ प्रो इन दिस। बाकी अरावली इसके पहाड़, देखो पहाड़ तो होते हैं, बट जो मज़ा हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों को देख के आपको आता है, वो अरावली देख कर तो नहीं आता है। बट ठीक है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए व्यू तो शानदार हो ही जाता है। और ये बाइक हर गड्ढे पे नीचे टकराती हुई, एक तो 200 किलो का मैं आदमी हूँ जो इस पर बैठ के घूमता है, तो ये बेचारी कहाँ तक झेले। बट आई लव दिस मोटरसाइकिल यार, मतलब इतनी वर्सेटाइल चीज है, इतनी भयंकर गर्मी, और ये बाइक जरा सा भी गर्म नहीं फील होने देती किसी भी फॉर्मेट में। अपने एक भाई है भूसा पे, उनके हालात अगर आप देखोगे तो हंसते हंसते पागल हो जाओगे, उनके हालात आप देखोगे तो हंसते हंसते पागल हो जाओगे, मतलब इतना फटीग सेट इन हो गया। एक तो वो चलाई हुई बिल्कुल 80-90 की स्पीड में रहे हैं, और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस तो ये कहता है भाई भूसा को जब तक आप 120 के आसपास हाईवे पे नहीं चलाओगे तो विंड आपकी चेस्ट को लिफ्ट ही नहीं करती, और विंड आपकी चेस्ट को लिफ्ट नहीं करेगी तो आपके रिस्ट से प्रेशर रिलीज ही नहीं होगा और आप बुरी तरह थक जाओगे। मतलब सिटी, मेरे साथ भी यही होता था, मतलब हाईवे पे आप चलते हुए आ रहे हो और अचानक से सिटी हिट करते हो तो सारा वेट आपका, पूरी बॉडी का आपके रिस्ट पे आ जाता है, और जैसी ब्रिज पे वेट आता है भाई साहब बैंड बज जाती है फिर, और ऊपर से वो रेडिएटर के दो फैन और इतनी हीट वो फेंकते हैं पूरी फेयरिंग में से, मतलब उबलता हुआ अंडे की तरह आदमी हो जाता है भूसा पे। तो दूर से भूसा चाहे कितनी ही आपको सुंदर अच्छी लगती हो, बट चलाने का सीजन भूसा का जनवरी फरवरी और मार्च ही है, या नवंबर भी आप कह सकते हो सुबह के टाइम। ऐसी गर्मी में भूसा चलाने के लिए मतलब चमड़ा डायनासोर का ही चाहिए बॉडी पे आपको। और ये ओनिवा सुपर बाइक्स, ये सुपर बाइक ओन करने की एक आयरनी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, इंस्टाग्राम पे सब शो ऑफ करेंगे, देखो मैं BMW पे कैसे घूम रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, और डुकाटीज पे लोग करते हैं, बट डुकाटीज पे आपको पता आपकी टेस्टिस बॉइल हो जाती है, डुकाटी इस लेवल पे गर्म होती है। अब मेरे साथ के जितने लोग थे मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो मुझे उनका वेट करना पड़ेगा यार। आज तो ब्रेक्स ले लेके हमारी हालत खराब हो गई है भाई साहब, हर 20 मिनट में एक ब्रेक है। आ जाओ यार आ जाओ, किधर रह गए,
पीछे फोटोग्राफी सेशन शुरू हुआ था उन लोगों का, तो शायद हो सकता है उसमें रुक गए हैं वो लोग। व्यू तो बढ़िया आता है अपने कॉकपिट का यार, और इतनी लंबी राइड ऑलमोस्ट 345 किलोमीटर में इस बाइक को लेके आ गया, और ये जो सीइंग है इनकी फिटिंग बिल्कुल स्टडी है, मतलब नो शेकिंग नो लूज। चलो एक प्रोजेक्ट तो अपना सक्सेसफुल हुआ, बट अब वापस जाके वापस इंडिकेटर्स लगाने का टाइम इसमें आ गया है, तो वापस जाके तो इंडिकेटर्स इसमें लगा दिए जाएंगे। पेट्रोल बहुत महंगा है भाई, पेट्रोल बंद कर दो, राजस्थान में तो 110 रुपये लीटर है ऑलमोस्ट। ये लो ये भूसा पे आते भाई आते हुए, तो ये है हमारे आतिफ भाई जो भूसा चला रहे हैं, और ये बिल्कुल थक चुके हैं बुरी तरह, बट इन्हें पता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये अब इनको पता नहीं है आजकल पुलिस वाले, वैसे तो मेरे एक वीडियोस पे व्यूज ही 50-60 ही आते हैं, बट पुलिस वाले आजकल नंबर से भी चलान काट देते हैं। थोड़ा पास जाके इनके नंबर को दिखाएं, ये देखो इनका नंबर DL1SED7042 इट्स ऑल फन एंड जोक्स भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने मिस्टर IPS इंदर पाजी हैं, ये होंडा CBR 650F चलाते हैं, बहुत ही प्यार से चलाते हैं, मतलब ये इकलौते ऐसे हैं जो दिल्ली से चले हैं और इनको रिफ्यूल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई साहब क्या एवरेज निकालते हैं, मतलब हाइपर माइलिंग कर सकते हैं अपनी बाइक से। और ये हम पता नहीं कौन से शहर में आ गए, जाना हमें सवाई माधोपुर है। अभी दो भाई और हैं अपने, जरा उनको भी आगे ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को सीधा मिलेंगे आपसे फिर रणथंभौर के रिसोर्ट में। वो आ गया बोर्ड, सवाई माधोपुर 67 किलोमीटर, कोटा 200 किलोमीटर। तो मेरे सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, यहाँ से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पे आपका कोटा है, पढ़ लो यार जाके जिसे पढ़ना है, हमारी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई वहां तक जाने की। छोटे छोटे शहरों में मेरे को बड़ा मजा आता है यार, एक नेचुरल वाइब्स होती हैं इन छोटे शहरों में, मतलब क्या ही बताऊं। अब या तो मैं भी एक स्मॉल टाउन बॉय हूँ, मैं भी एक बहुत छोटे शहर क्या मतलब कस्बे से हूँ, बिलोंग करता हूँ, वहीं मैं पैदा हुआ था। फिर जब कुछ बड़े हुए तो हमारे पापा फैमिली पूरी गाज़ियाबाद शहर शिफ्ट हो गई, तो अब हम लोग गाज़ियाबाद में बेस्ड हैं और सेटल्ड हैं। बट जब भी अपने होम टाउन पे लखवा एक गाज़ियाबाद से थोड़ा सा आगे शहर है जाते हैं, तो भाई वहाँ की बालूशाही जलेबी और जो उस वाइब्स है ना जो उस शहर के अंदर घूमने की, मतलब या तो नॉस्टैल्जिया कह लीजिए मैं वहाँ का हूँ, बट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है वो। मेरे यार दोस्त कहाँ रह जाते हैं यार, ओह माय गॉड द बोलेरो इज कमिंग वेरी फास्ट भाई साहब, कुछ लोग तो दुश्मनी निकालते हैं सड़कों से यार। और ये ट्रक भी बिल्कुल ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा इसके पीछे चलने से, तो हम इसे ओवरटेक कर लेते हैं। और ये थार सामने खड़ी है, और थार को देख के दिल में कुछ कुछ तो होता है,
बट 3-4 बार इसकी टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ, पर अंदर चलाने के बाद ये गाड़ी नहीं समझ आ रही है। मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं यार दो बच्चे। इट्स ऑल अबाउट इमोशनल बाइंग, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल कार एट ऑल। 5 डोर देखो, 15 अगस्त दूर है, दूर नहीं है, परसों ही है, तो 15 अगस्त को कुछ ये लोग दिखाते भी हैं या बस ऐसे ही अधर में लटका के रखते हैं। चलो भाई, यहाँ से रिसोर्ट अपना है लगभग 50 से 60 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर जाकर एक ब्रेक लेते हैं अभी वाटर ब्रेक छोटा सा, और आपसे फिर अगले पार्ट में मिलते हैं रिसोर्ट के अंदर। तब तक के लिए कीप हेल्दी, कीप टाइट, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर पसंद आ रहा हो। नहीं भी आ रहा हो तो यार कर देना प्लीज़, तुम्हारा क्या जाएगा। बस अंदर से मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ ठीक है, कोई टास्क आपने लाइफ में ले लिया तो आप उसे कर सकते हो। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट मैटर्स टू अस, इट मैटर्स टू मी।